इंडिया किंग एंड क्वीन मिस्टर मिस मिसेस किड्स मॉडल हंट 2021 रुशान खान द्वारा आयोजित शो को स्पंदन डिजिटल ऐड द्वारा स्पॉन्सर किया गया है। ये आयोजित करने का मुख्य उद्देश्य यह है कि कोरोना महामारी के चलते सभी अपने अपने घरों में हैं, बच्चे भी ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं, पहले जैसे एक्टिविटीज भी बंद हो चुकी है। इस सबसे सभी अब निजात पाना चाहते हैं, कुछ ना कुछ करना चाहते हैं। इसी के मद्देनजर रुशान खान द्वारा इस शो का आयोजन किया गया है। हमारी संवाददाता क्षितिजा देशमुख ने शो के आयोजक स्पॉन्सर कोरियोग्राफर से खास बातचीत की है। आइए डालते हैं एक नजर। नागपुर शहर में जल्द ही इंडिया किंग एंड क्वीन ये शो आने वाला है और इसी के बारे में हम जानकारी लेंगे इनके ऑर्गेनाइजर जो है हमारे साथ उनसे। क्या बताओगे सर, ये जो आप शो ला रहे हो इंडिया किंग एंड क्वीन मिस्टर मिस मिसेस एंड किड्स मॉडल हंट 2021, क्या बताओगे इसके बारे में? ये शो जो है आपने ऑर्गेनाइज किया है, क्या इसके पीछे का मतलब आपका मोटो है, क्या मतलब मंशा रख के ये आयोजित किया गया है? क्योंकि अभी कोरोना का भी दौर चल रहा है, इस दौरान सभी अपने घरों में हैं, इस दौरान ये शो आपने ऑर्गेनाइज किया है, ये बहुत अच्छी बात है, क्या बताओगे इस बारे में? मैम, जैसे कि काफ़ी टाइम हो चुका है कि कोरोना की वजह से कोई बच्चे किसी की भी एक्टिविटी कुछ भी नहीं है और सारों की एक्टिविटी ख़त्म हो चुकी है। मतलब बहुत सारे छोटे छोटे बच्चे जो बाहर पहले मेरे शो में करते थे, तो इसी की वजह से मैंने सोचा कि कुछ टाइम जाने के बाद मैं इसको फिर से ऑर्गेनाइज करूँ और वो बच्चों में जो टैलेंट है वो आकर वो स्टेज पर दिखा सके ये वाले। बिल्कुल, ये बात तो बहुत सही है कि बच्चे जो है अपना टैलेंट शो के जरिए जो है फिर से अपना टैलेंट दिखा सके, इसके लिए आप बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म जो है बच्चों के लिए दे रहे हो। इसकी जो ऑडिशन है आपने किस तरह ली है, क्योंकि कोरोना के दौर में तो सभी तरफ बंद था, तो कैसे ऑडिशन मतलब आपने लिए? पूरे ऑल ओवर इंडिया से इसमें बच्चे हैं जो भी है पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो क्या बताओगे इस बारे में? मैम, जैसे कि बहुत सारे बच्चे थे, जो कुछ छोटे बच्चे रहते हैं, कुछ बड़े बच्चे रहते हैं, जो कुछ शो किए हुए रहते हैं, कुछ फ्रेशर रहते हैं, तो सारे ही बच्चे हमको अपना नाम और अपनी फ़ोटोज सेंड करते थे। उसके बाद हम उनका 30 सेकंड का वॉक का वीडियो मांगते थे, उनकी वॉक और पोज देखकर हम उनको सेलेक्ट करते थे। उनके बाद से अभी उनका 3 तारीख से यहाँ पर ग्रूमिंग सेशन चालू होने वाला है नागपुर में, 3 तारीख, 4 तारीख, 5 तारीख को, और फिर हमारा शो है। बिल्कुल, अभी तक कितने पार्टिसिपेंट जो है इस शो में पार्टिसिपेट करने वाले हो, क्या बताओगे? मैम, अभी तक तो हमारे पास 50+ हो चुके हैं पार्टिसिपेंट, जिसमें कैटेगरी है मिस्टर मिस मिसेस किड्स टीनेज, ऐसे बच्चे हैं उनकी हमारे पास एंट्रीज आ चुकी है अभी तक। बिल्कुल, अब जानकारी लेंगे हम नीलिमा रामटेके हमारे साथ है उनसे। मैम, क्या बताओगे इस शो के बारे में? आपने मतलब इतना अच्छा शो जो है कोरोना के काल में जो है ऑर्गेनाइज किया है, क्या बताओगे हमारे दर्शकों को? शो को स्पॉन्सर तो मेरी कंपनी कर रही है, स्पंदन डिजिटल एड्स। और शो का जब कंसेप्ट मेरे पास आया, जब रुशान सर ने बोले कि मैम ऐसा ऐसा शो लेना है, तो कोई भी शो जब ऑर्गेनाइज करते तो उसके लिए कैपिटल लगता है, तो शो को जो जितना भी कैपिटल लग रहा है तो कंपनी तो स्पॉन्सर बाय में है ही, बट शो को सपोर्टेड बाय में भी और बहुत सारी टीम है, जैसे निम्बाड़कर ग्रुप के निम्बाड़कर सर हमारे साथ जुड़े हैं, संतोष लांडे सर हमारे साथ जुड़े हैं, देन उसके बाद मीडिया पार्टनर में भी हमारे साथ, वेब पार्टनर में विदर्भ प्राइड हमसे जुड़े हैं, और सपोर्टेड बाय में और बाकी टीम है जो हमसे जुड़े हैं, जिनके सपोर्ट से ही ये शो सक्सेसफुली रन होने वाला है। बच्चों के लिए भी काफ़ी अच्छा प्लेटफॉर्म है और पार्टिसिपेंट को हम क्या देने वाले, ये बहुत बड़ा पॉइंट है, क्योंकि नागपुर में या बाहर शोज होते हैं, शो होने के बाद वो उसी दिन उसी समय शाम तक क्लोज हो जाते हैं, बच्चों को उसके बाद क्या है ना, तो बच्चों को हम क्या देने वाले हैं वो मेन पॉइंट है। तो शो में जो बच्चे विनर रहेंगे, किड्स में हम बच्चों को 1 ईयर का एजुकेशनल पैकेज फ्री दे रहे हैं, फ्री टीचिंग रहेंगी उनको। मिस मिसेस और मिस्टर कैटेगरी में जो विनर रहेंगे उनको हम हॉलीडे पैकेज दे रहे हैं, 3 नाइट 4 डेज का। देन उसके बाद वेब हमारे पास जो वेब मीडिया जो हमारे सपोर्टेड बाय में है वो उनका पूरा पोर्टफोलियो भी बना के देने वाले हैं, ताकि उनको गूगल पे या फिर उनको कोई नाम सर्च करे तो उनका वो टैग के साथ उनको दिखे। ऐसे काफ़ी अच्छे अच्छे प्राइज और अच्छे अच्छे गिफ्ट हैम्पर उनके पास है,
कुछ पब्लिशन हाउस वाले भी हमारे पास जुड़े हैं, प्रोड्यूसर रोलिंग पब्लिकेशन करके है, सुबोध आनंद सर है, उन्होंने भी बच्चों के लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म दिया। उनका अभी नेक्स्ट जी म्यूजिक पे एक एल्बम सॉन्ग रिलीज होने वाला है, तो यहाँ से जो बच्चे विनर रहेंगे या बच्चे विनर नहीं भी है बट उनमें वो टैलेंट है, टैलेंट राउंड में वो उनसे उनको सिलेक्ट करेंगे, तो वो अपने एल्बम सॉन्ग में भी बच्चों को लेने वाले हैं। दिसंबर में और एक फिल्म आने वाली है पृथ्वीराज चौहान के ऊपर, वहाँ पे भी बच्चों का हम प्लेटफॉर्म देने वाले हैं। यानी बच्चों के लिए हमने फोकस करके उनके लिए बहुत कुछ अच्छा सोचे हैं हमने, तो उनको काफ़ी कुछ मिलेगा ये शो से। बिल्कुल, ये जो शो है इसके ज़रिए जो है बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज जो है मिलने वाली है, ऐसा अभी हमें रामटेके मैम ने बताया है। मैम हमारे साथ है, उनसे हम पूछते हैं कि क्या बताओगे इस शो के बारे में, ये जो शो है जल्द ही जो है नागपुर शहर में शुरू होने वाला है, इसके बारे में। मैम देखिए, कोई भी शो होता है वो एक या दो लोगों से नहीं जुड़ा होता है, काफ़ी लोगों से जुड़ा होता है। तो हमारा ये जो शो है उसमें हमारे मेकअप आर्टिस्ट है, देन हमारे ड्रेस डिज़ाइनर है, ज्वेलरी शॉप के कुछ लोग हैं, तो उनका मैं यहाँ पे नाम लेना चाहूँगी। हमारा ड्रेस डिज़ाइनिंग डिपार्टमेंट जो है वो संभाल रहे हैं मानसी आहूजा एंड कोमल डॉली चौधरी, ओके। देन हमारा जो इमिटेशन ज्वेलरी का काम, ड्रेस के साथ तो गेटअप देना बहुत ज़रूरी होता है, ज्वेलरी इट्स वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, तो उसको साथ दे रहा है हमारा स्पंदन इमिटेशन ज्वेलरी, ओके। उसको मैंने खुद डिज़ाइन किया है और प्रॉपर ज्वेलरी उसके ऊपर बनाए हैं। देन सपोर्टेड बाय और बाकी सब कुछ आपको मैम ने बता दिया है। देन ब्यूटिशियन है हमारे, तो ये सब लोग मिलके हम लोग उसको प्रॉपर तरीके से अरेंज कर रहे हैं। कोई भी मॉडल शो होता है तो उसके लिए ग्रूमिंग जो है बहुत ज़रूरी होती है, और ऐसे यहाँ पे कोरियोग्राफर और ग्रूमिंग के लिए जो है हमारे साथ है, उनसे हम जानेंगे कि किस तरह से आपने आपके जो आपके यहाँ पार्टिसिपेंट हैं उनको किस तरह से ग्रूम किया है, क्या बताओगे? एक्चुअली मैं तो कोरियोग्राफर हूँ, और एक्चुअली कैसा है कि ग्रूमर भी मेरे साथ है, तो जो हमारे शहर के जो नागपुर शहर के जो यंग टैलेंट है, हाँ, तो जो यंग जो हमारे नागपुर शहर के जो यंग टैलेंट है उसको मैं और मेरी एक पार्टनर है आयुषी लाड़े करके, हम दोनों कोऑर्डिनेट करने वाले इस शो को कोरियोग्राफ और ग्रूम करने के लिए, ठीक है। तो हम लोगों का नया कॉन्सेप्ट है कोरियोग्राफी में और ग्रूमिंग में, और बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम लोगों ने मिलकर डिस्कस की है कि हम लोगों को पार्टिसिपेट को किस तरीके से हमको जज करना है, किस तरह से हमको उनको सिखाना है, ग्रूम करना है और कोरियोग्राफ करना है। हम लोगों की 4 डेज़ की ग्रूमिंग सेशंस होने वाले हैं, जो कि 3 दिन ग्रूमिंग सेशन होने वाले हैं, और 1 डे जो होने वाला है उसमें टैलेंट देखा जाएगा, यानी पूरा 1 डे उनको टैलेंट जज किया जाएगा। क्या खास ऐसा है जो आपके ओर से आपके पार्टिसिपेंट को सिखाया जाने वाला है, क्या बताओगे? एक्चुअली मैं और मेरे जो पार्टनर है आयुषी लाड़े, एक्चुअली हम लोगों ने बहुत सारे यूनिक चीज़ें सर्च करके रखी है कि हम लोगों को 4 डेज़ की ग्रूमिंग सेशन में क्या क्या उनको प्रोवाइड करना है। एक्चुअली वहाँ पे बहुत सारे कंटेस्टेंट्स है, 70-75 कंटेस्टेंट रहने वाले हैं, तो मैं और मेरी जो पार्टनर है आयुषी लाड़े हम लोग मिल के कुछ ना कुछ नया प्लान कर रहे हैं। बिल्कुल, तो बहुत ही जल्द है शहर में एक नया शो जो है शुरू होने वाला है, और इसके लिए आप भी पार्टिसिपेट कीजिए, क्योंकि इंडिया लेवल का ये शो है और यहाँ से बहुत सारी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आपको दी जा रही है। कैमरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ मैं क्षितिजा देशमुख, BCN न्यूज़ नागपुर।